हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ के यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है उसी का हम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपका साइंस का लेके आ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आपका विज्ञान का आपका 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जिसका एग्जाम जो है आपका 20 नवंबर के दिन होने जा रहा है। ठीक, आपका जो विषय कोड रहने वाला है वो आपका 112 रहने वाला है। ठीक, और आपका सभी लोग का सेट कोड जो है वो आपका यही रहने वाला है। ठीक, सेंटअप एग्जाम में आपका सेंटअप एग्जाम जो होता है वो आपका केवल एक ही सेट छपता है, सेट ए। ठीक, ये आपको परीक्षा पास करना बहुत ही जरूरी है। यह इस वीडियो में हम आपको टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, टोटल को याद भी कर लीजिएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। ठीक, तो यहाँ से कम तो आपको यहाँ पे इससे 15 से 20 प्रश्न के आसपास आपके फाइनल एग्जाम में इसी से पूछे जाएंगे। ठीक, तो पूरा का पूरा याद भी आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर का एक देखते हैं। ठीक, उससे पहले यहां पे देख सकते हैं आपको 1 से लेकर 80 तक प्रश्न मिलेंगे जिसमें से केवल आपको 40 प्रश्न ही आपको बनाना रहेगा। ठीक, वो एमआर शीट पर चिन्हित कर दीजिएगा और आपको 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका एक देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका एक है, यहां रहने वाला है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए दो नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, दो नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो यहाँ पे लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका तीन नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है चार नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो वोल्ट मीटर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है पाँच नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण का आपतित होती है परावर्तित किरण पुंज होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, समांतर होगा। ठीक, यहाँ पे सभी में टिक मारा हुआ है पहले से ही, सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, फाइनल एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न लड़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सात नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक एमीटर के शून्य तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पमांक क्या है, लिस्ट काउंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 0.1 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है आठ नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है नौ नंबर क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि गोबर छत्ता है तो एक मृत जीवी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन का आण्विक सूत्र है, ओजोन का आण्विक सूत्र O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 12 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक क्षमता है, किससे अधिक क्षमता है, जो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 16 नंबर कि दूध से दही बनाने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे अपघटन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, संयोजकता निकालना आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2 हो जाएगा। CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक, एल्केन का हो जाएगा और ये आपका एल्कीन का हो जाएगा, और ये आपका एल्काइन का, -2 एल्काइन का होता है और एल्कीन का कुछ नहीं होता है, केवल 2n होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, फ्लोरीन का 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा, तो 7 से अधिक होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका 16 हो जाएगा। ठीक, आपका 20 प्रश्न हो गया है, 20 प्रश्न आपका और आप हमको करवा देते हैं और 40 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। ठीक, आपके फाइनल एग्जाम में भी सेम टू सेम आपका इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए कुछ प्रश्न और बचा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एफ ई जो है यहाँ पे निकल गया है और यहाँ पे AL आके एल्युमिनियम आके जुट गया है। ठीक, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे दो बार विस्थापन होता, यहाँ से भी कुछ जुटता यहाँ पे, तो यहाँ पे द्वि विस्थापन हो जाता। ठीक, यहाँ पे केवल विस्थापन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग है, तो इनामिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है, तो कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 प्रश्न कर लिए हैं आपका, 10 प्रश्न मात्र और बाकी है, तो जल्दी जल्दी उसे भी कर लेते हैं। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो कौन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 33 नंबर। कार्बन
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है तो तृतीय पोषी स्तर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है यकृत द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 38 नंबर की, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो यहाँ पे समजातंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 40 नंबर, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 40 प्रश्न आपका कर लिए हैं और आपको 40 प्रश्न आपको छोड़ भी देना है। ठीक, आपका जितना भी पेपर है इसी चैनल पे आ रहा है और आप सभी जितना भी आपका संस्कृत का है सभी का है सबका डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके अपना पेपर जो है जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।